Artışımı sevdiyse şutların kokanlar olarak bilinir. Toronto kategoriye Toronto ka samaj aur sabse badi baat hai bharatiya mool ke log yahan pe Toronto mein Canada mein apna ek vishesh sthan bana chuke hain har kshetra mein chahe wo kala hai sangeet hai rajneeti hai samaj mein hai har jagah jahan dekhiye bharatiya aage se aage badhte ja rahe hain pragati kar rahe hain aaj hum lekhakon ki duniya se lekhakon ki duniya ek alag duniya hoti hai aur bharatiya mool ke lekhak Canada mein कनाडा के समाज में सिर्फ हिंदी साहित्य में इंग्लिश लिटरेचर में भी अपना एक समाज एक स्थान बनाने जा रहे हैं आज हमें खुशी है कि आपकी जानी पहचानी हाल ही एक उभरती हुई लेखिका को राइटर को हमने यहाँ पे वो ऑथर हैं बुक्स की उनको स्टूडियो में बुलाया था और आज हम पुनः उनसे बातचीत करने जा रहे हैं थोड़े से टाइम के बाद ही क्योंकि उन्होंने अपनी बुक लॉन्च करी है और हम उनकी सारी स्टोरी एक्सपीरियंस अनुभव आपसे करवाते हैं और कोई नहीं आपकी जानी पहचानी अनुभव मेहता ऑथर पीकॉक इन द स्नो पुनः आपका स्वागत है वेलकम है और बहुत बहुत मुबारक हो सो मच थैंक यू फॉर हैविंग मी थैंक यू आपने मुझे बुलाया आपके दर्शकों के सामने अरे नहीं हमको तो बहुत खुशी है कि हमारे ही स्टूडियो में जो गेस्ट आ चुके हैं उन्होंने पुनः यहाँ आई हैं और आज हम बातचीत करेंगे कि आप कितनी जल्दी कैसे क्यों आई हैं सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा तुम्हारा परिचय दूंगी हालांकि लोगों को याद होगा अनुभव मेहता जो कि एक कैनेडियन लेखक हैं दिल्ली में पैदा हुई और उन्होंने अपनी कहानियाँ जिज्ञासा और सबसे बड़ी बात है उनके जो राइटिंग स्किल है वो इतना सिंपल है उसमें भावुकता है सहजता है सरलता है जो कि हृदय को छू जाती है और उन्होंने यहाँ पे आकर अपने डॉक्टरेट की पीएचडी डिग्री करी हुई है पॉलिटिकल साइंस में जगह जगह कार्य किया और इनकी जो मेन स्ट्रेंथ रही है पिछले 20 साल से इन्होंने जाकर एक ही जगह अपना स्थान नहीं बनाया इन्होंने ग्रास रूट में जाकर जगह जगह काम किया वॉलंटियर कार्य किया और जहाँ पर इन्होंने देखा कि कहाँ पर दर्द है कहाँ पर मुश्किलें हैं कहाँ पर संघर्ष है और उन्होंने उन सबको देखकर उसी रास्ते पर चलकर अपना एक सम्मान बना लिया स्थान बनाया है बिल बोर्ड में इन्होंने काफ़ी देर तक बिल के ऑर्गेनाइजेशन में काम किया 10-15 साल और कहते हैं ना कि जहाँ पे जब तक आप ये नहीं देखो कि जूता कहाँ पिंच कर रहा है तब तक फील नहीं आती कि कैसा पिंच हो रहा है इनकी बड़ी कहानी है अनुवाद हमारे सुनने वालों ने पिछली बार बहुत सारा ने देखा होगा फिर भी हम पहले आपकी बुक से शुरू करते हैं बुक का नाम बहुत खूबसूरत है पीकॉक इन द स्नो जो आप अपने साथ लाई हुई हैं और हम उसकी ये तस्वीर और उसका ये बहुत ही खूबसूरत है और इसके बारे में बताइए कि आपने ये वाला टाइटल क्यों लिया और किसके आधार पे आपने ये लिया है पीकॉक इन द स्नो वो रिप्रेजेंट करता है जो पीकॉक के जो शेड्स हैं जो उनके रंग हैं वो हमारी ज़िंदगी के रंग हैं जो हम लोग वार्म कंट्रीज़ में गर्म मुल्कों से आते हैं सफ़ेद देशों में जहाँ बर्फ़ पड़ी होती है जो सफ़ेद रिप्रेजेंट करता है वो है यहाँ की प्योरिटी सादगी और यहाँ के बिल्कुल वातावरण की सादगी और खूबसूरती लेकिन इनके रंग को भी और जब हमारे जैसे देश के लोग अपने रंग अपने विभिन्न जो रिप्रेजेंट करते हैं मूड्स और केओस लेके सफ़ेद देश में आ जाते हैं तो फिर वो जो स्टार्कनेस दिखती है रंग की ओवर वाइट वो पीकॉक इन द स्नो है और हाँ बहुत अच्छी तरह से आपने इसको लिया है जो मैंने इसके बारे में पढ़ा है थोड़ा इसके प्रोफाइल सारे कुछ पढ़े इंट्रोस पढ़ी हैं एक न्यू इमिग्रेंट जब आता है जी और एथनिक अपने इंडिया के अपने भी हैं वो फुल ऑफ कलर है फुल ऑफ पैशन है फुल ऑफ डिफरेंट लाइफ स्टाइल का यूज टू है लेकिन एक ऐसे समाज में आता है जहाँ पे हर चीज वो नहीं है जो वो सोच के आता है जी तो स्नो जैसी ठंडी भी लगती है ड्राई भी लगती है कोल्ड भी लगती है लेकिन वो वार्म है और कैसे वो अपना स्थान बनाते बनाते धीरे धीरे अपने कलर फैलाता चला जाता है ये इंटीग्रेशन की कहानी है हमारे जैसे लोगों की
जो वहां से ये सारे रंग रूप लेके आते हैं और फिर यहाँ पे उनको एडजस्ट करना पड़ता है. वो जब यहाँ ये जब ये एक ऐसी फैमिली की है जिनको कनाडा आए, कोई उनको मजबूरी नहीं थी आने की, ना वो वॉर से भाग रहे हैं, ना कोई रिलीजियस पर्सिक्यूशन से, ना कोई इतनी. उन्होंने कनाडा जो चूज किया बिकॉज ऑफ द प्योरिटी एंड द सिंप्लिसिटी एंड द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस. और वो कहीं पे भी जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे कनाडा बहुत पर्सनल फ्रीडम देता है. और उन कंट्रीज में भी जो मिडिल क्लास है उनके पास तो सब कुछ है, आपको पता है, पैसा है, कनेक्शंस है, वो सब छोड़ के यहाँ आए. तो यहाँ पे उन्होंने अपनी कैसे जगह बनाई, एंड मोर इम्पोर्टेंटली कनाडा ने उनके लिए कैसे जगह बनाई. ये नए किस्म के जो लोग आ रहे हैं, जो अंग्रेजी बोल सकते हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनके एक्सेस पॉइंट्स वो कनाडा से शायद कुछ ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, मांगते हैं और देते भी हैं इन रिटर्न. पर तुमने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जो पहले लोग आए थे 30-40 साल पहले, जो पहले हम लोगों की जनरेशन आई, वो सिर्फ $8-8 लेकर आई है जी. उसके कंपैरिजन में जो अब जनरेशन आ रही है, थिंग्स इतनी बदल चुकी हैं. सबसे पहले तो जो न्यू इमिग्रेंट आ रहे हैं, यंग भी आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं मनी की. वो एक फोन उठाते हैं, उनके पेरेंट्स उसी समय ट्रांसफर कर देते हैं मनी की. एंड वी पीपल द ओल्डर जनरेशन हैड नो एक्सेस, उनके एडजस्टमेंट्स आर वेरी डिफरेंट. लेकिन जो न्यू जनरेशन आ रही है उनकी एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा है, पर एडजस्टमेंट कम है उनमें. क्यों? क्योंकि दे ऑलरेडी हैव देयर पॉकेट इज फुल, उनको मनी का पिंच नहीं है, फाइनेंशियल स्ट्रेन नहीं है. उनकी जो एक्सपेक्टेशंस नीड्स और वो है और चीजों की, अपनी नई कम्युनिटी. एक तो कम्युनिटी छोड़ के आ गए, तो नई कम्युनिटी कहाँ ढूंढे? हाउ टू फाइंड द न्यू लाइफ हियर, हाउ टू एडजस्ट. ये जो नई जिंदगी मिली है इसमें इंटीग्रेट कैसे हुई? हर चीज उनके टर्म्स पे नहीं होगी, कुछ बटन पे उनको भी काम करना पड़ेगा. लेकिन कनाडा को भी जरूरत है ऐसे लोगों की, और उनको समझने की जरूरत. इट्स अ टू वे थिंग. इसमें एक चैप्टर है किताब में जब वो कहती है, माया जो इसकी प्रोटैगनिस्ट है, हमारी इंटीग्रेशन हमारे पे डिपेंडेंट है. हम जब रेडी हो इस कंट्री को लव करने को, इस कंट्री के लोगों को, इसके सिस्टम्स विद ऑल इट्स फॉल्ट्स, जितनी यहाँ पे कमियां हैं उनके साथ हम इसको एक्सेप्ट करें, तब जाके हम इंटीग्रेट होंगे. पर यहाँ मैं करेक्शन करूंगी, तुमने कहा है अभी बहुत अच्छी तरह से कि इसकी कमियों को, जो कुछ भी उसको लेके एक्सपेक्ट करें, एक्सेप्ट करें. मैं सोचती हूँ थोड़ा सा इसमें और भी एडिशन होना चाहिए कि उनकी कमियां या जो कुछ हैं उसमें चॉइस नहीं है एक्सेप्ट करने की. एक्सेप्ट, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट. लेकिन यू हैव टू बी, आप खुद को तैयार करो पहले. उसको तैयार करने के लिए आपको अपना जो एक्सपेक्टेशन का लेवल है उससे नीचे आना पड़ेगा. जैसे तुमने अपना स्टोरी में लिखा है, हम बोले तुमने अपना जो स्टार्ट किया बिल्कुल ग्रास रूट से स्टार्ट किया, तुम्हारे बच्चों को वो नहीं करना पड़ेगा. लेकिन आपने किया, वो किया, हमने किया. लेकिन जो अब जनरेशन आ रही है वो पहले तो अपने, बिकॉज वेल एजुकेटेड तो पहले सभी लोग तब भी थे, लेकिन वो आते ही हाई अचीवर होने के कारण अच्छी जॉब चाहते हैं. कोई उसमें नेगोशिएट कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते, हमको ये चाहिए तो ये चाहिए. उनको सीढ़ियाँ चढ़ना जो है ना वो मुश्किल है, एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो इसमें कमियाँ हैं कनाडा में या नहीं है. बिकॉज यू हैव ओनली टू चॉइसेस, या तो आप छोड़ के चले जाइए और यहाँ रहना है, तो कमियों को नहीं देखना, लेकिन ये देखना कि हम इन कमियों में कैसे फ्लो कर जाएं. आपने नर्व्स पकड़ी है, मैं आपको बताती हूँ कैसे. जो आप बात कर रहे हो ना, ये सबसे बड़ा डिफरेंस ईस्ट और वेस्ट का है. ये बहुत इक्वलाइजिंग सोसाइटी है. वहां पे प्रिविलेज होने के लिए आपको क्लास, कास्ट, आप कहाँ रहते हो, आप कौन सी गाड़ी चलाते हो, आप किससे बात करते हो, वो बहुत जरूरी है. यहाँ पे वही लोग जब आते हैं उनकी जो प्रिविलेज होती है वो सबसे पहले इक्वलाइज हो जाती है. आपका हुनर, आपके हाथ से आप जो काम करते हो, अपने माइंड से, वो आपको डिफाइन करता है. आपका जॉब, आपका ऑक्यूपेशन, आपकी पढ़ाई या जो भी आप काम करते हैं वो डिफाइन करता है आपको. तो ये जो एडजस्टमेंट है ना ईस्ट और वेस्ट की, ये मेरी किताब का बेस है. द वर्किंग ऑफ प्रिविलेज एक फैमिली के लिए जो ऐसी है, जो यहाँ से यहाँ आई, उनको क्या देखना पड़ा. बट ये किताब जो है ना, ये एक मजे की किताब, एक मिरर सी बन जाती है जो दिखाती है आपको
अपनापन उसमें जी, क्योंकि जो बच्चे इंडिया से आ रहे हैं पढ़े हुए सब कुछ हैं, उन्होंने कभी घर में काम ही नहीं किया जी। और यहाँ आप उनको हाथ जलाएं, स्टोव पे खाना बनाएं, अपने सैंडविचेस बनाएं, कैसे करें। और सबसे बड़ी उनकी बैड लक केवल ये होती है कि वो आके ऐसी फैमिलियों में ठहर जाते हैं जहाँ उनको चांस फिर भी नहीं मिलता है जी। क्योंकि सब कुछ पका पकाया, सब चीजें मिल जाती हैं, कार मिल जाती है, सहूलतें मिल जाती हैं, लेकिन नहीं, जब तक वो अपना स्थान खुद लेके खुद स्टोव में बर्टन ऑन नहीं करेंगे कि कैसे मेरे को कुक करना है, खुद टॉयलेट नहीं साफ करेंगे जाके, सफाई नहीं करेंगे, तब तक कमियां या नहीं कमियां, तब तक वो इक्वलाइजर, आप कहते हैं ना, इक्वल स्टेटस पे आना पड़ेगा, फिर वहां से आप बाउंस करिए खूबसूरती से जी। बिल्कुल, वो आप देखिए, औरतों के लिए एक स्टेप और है वहां पे, औरतें मोर और लेस पैकेज डील है, किसकी आप बेटी हो, किसकी आप बहन हो, किसके घर गए हो, क्या ससुरा, यहाँ पे औरतों का पैकेज डील इतना, यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स है, मैं ये कभी नहीं कहूंगी, यहाँ पे ग्लास सीलिंग की प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे पेट्रियार्की की प्रॉब्लम्स है, इस इश्यूज और इज्म्स जो है सिर्फ हिंदुस्तान या पाकिस्तान या मिडल ईस्ट या जापान या चाइना में नहीं रह जाते, बाउंड्रीज से नहीं रहते, वो डिफरेंट फॉर्म शेप और कलर लेते हैं दूसरी कंट्रीज में, अकॉर्डिंग टू उस कंट्री का लॉ क्या है, वो कितनी टॉलरेंस में है। ये जो कहानी है जो मुझे लिखनी थी, मुझे इश्यूज और इज्म्स से थोड़ा सा हट के लिखनी थी, एक मजे की कहानी इस तरीके से कि वो फिल्टर हर जना देख पाए, कनेडियंस भी पढ़ सके, इंडियंस ऑफ कनेडियन ओरिजिन, कनेडियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन भी पढ़ सके, आदमी भी पढ़ सकते हैं, और यंगर जनरेशन भी पढ़े और औरतें भी पढ़े। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और कमर्शियल के बाद इसको पुनः इंटरेस्टिंग टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा, हम पुनः बातचीत करते हैं आपसे। पुनः स्वागत, आप सबको मालूम है, आप पहले भी देख चुके हैं, और आज हमें एक वो लड़की बैठी हुई है यहाँ पे जो 20 साल से कनाडा में रहने के बाद उन्होंने अपनी बुक का बहुत ही अपने गर्व से अपने भारतीय मूल की लेखिका होते हुए इंग्लिश में पीकॉक इन द स्नो अपने बुक का लॉन्च किया, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल था, और जैसा इन्होंने बताया कि पहले 2 घंटे में सब बुक्स उनकी सोल्ड आउट हो गई। आइए हम उनसे ही बातचीत करते हैं कि अब इनकी और क्या प्लान्स हैं। अनवा, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन है हमारी ओर से, हमारे व्यूअर की ओर से, और हम अभी आपकी वेबसाइट आपसे लेके डालेंगे, तो आपकी ये जो बुक है कहाँ कहाँ अवेलेबल है और कैसे लोग ले सकते हैं? ये मेरे पब्लिशर की वेबसाइट इनाना पे है, मेरे अपने वेबसाइट मेरे नाम से anubhamehta.com, वेरी सिंपल, क्लिक अ बटन और आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, अमेजोन पे जाना है, चैप्टर्स पे जाना है, जहाँ से भी मिलनी है आप किसी को भी चूज कर लीजिए, जहाँ भी बुक अवेलेबल हो, दे कैन चेक इट एवरीवेयर एंड दे कैन ऑर्डर इट, अमेजोन पे भी है, इट्स ऑल ओवर द प्लेस एंड इट्स इन बुक स्टोर्स बाय नेक्स्ट वीक। क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है क्रॉस कनाडा जाता है, हैलिफैक्स से वैंकूवर था, सो एवरीबॉडी इज वाचिंग, जो बुक इंटरेस्ट होगा जरूर आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। इसके साथ अब अनुभव, आपके आगे के क्या प्लान है और किस तरह के आप कार्यों में लगी हुई हो? अभी 2 महीने तक तो मेरे बहुत पोस्ट लॉन्च एक्टिविटीज हैं, करीब 10-12 मेरी रीडिंग्स हो रही हैं, प्रेजेंटेशंस हो रही हैं। जनवरी में आई वाज फॉर्चुनेट, मुझे सेकंड लॉन्च के लिए बुलाया है दिल्ली, वहाँ पे बहुत लोग वेट कर रहे हैं, और फिर जयपुर लिट फेस्ट, आई वाज वेरी फॉर्चुनेट, फेमस है जयपुर फेस्ट, देव इनवाइटेड मी ऑन एन इंटरनेशनल पैनल फॉर ऑथर्स टू प्रेजेंट, तो आई एम वेरी अगेन वेरी ग्रेटफुल, इट्स अ बिग एक्सपीरियंस फॉर अ डेब्यू नॉवेलिस्ट, तो वहां जाऊंगी मैं जनवरी में। और मीनवाइल मैंने एक प्रण किया है अपना कि जो भी मैंने हार्ड वे में यहाँ पे सीखा एज अ राइटर, यू नो, सीक्रेट्स, हिडन थिंग्स जो पता नहीं होता हम लोगों को, जो नए लोग होते हैं लिखना, वो सब मैं वर्कशॉप्स कर रही हूँ। सो मैं ये वर्कशॉप्स, वेरी गुड आइडिया फॉर यंग राइटर्स को इंस्पायर करना और उनको अपना पाथ दिखाना, तो उसमें ये आप कहाँ कहाँ करेंगे ये वाली वर्कशॉप? टोरंटो पब्लिक लाइब्रेरी के थ्रू 1-2 कर रही हूँ मैं, और अभी सेंट्रल लाइब्रेरी से भी बात कर रही हूँ मिसिसागा में, और मेरी वेबसाइट पे पूरा स्केड्यूल है। मैं ये कर रही हूँ कि मैं ये नहीं उनको सिखाऊंगी प्रोसेस ऑफ राइटिंग और ये सब, वो तो आप कहीं भी सीख सकते हो, और फ्रैंकली इफ यू आस्क मी, नोबडी कैन टीच यू हाउ टू राइट, आपसे इन बात इट्स
आपका जो स्टोरी है ना वो इंटेग्रल है. आप चाहे उसको लिखो, चाहे आप उसको डांस करो, चाहे आपको पेंट करो, चाहे आपको म्यूजिक करो, मीडियम आपके पास आ जाएगा. तो मेरे लिए वो स्टोरी जो है ना, लोगों की, लोग अपने अंदर इतने स्टोरीज रखते हैं. मैं उनको सिर्फ ये कहती हूँ, मेरा मैसेज कि आप अपने अंदर से स्टोरीज निकाल के आप बाहर सबसे शेयर करिए, अपने साथ मत ले जाए. उसके लिए आई एम विलिंग टू डिवल्ज जितने सीक्रेट्स हैं मेरी, जितने मेरे चैलेंजेस हुए उस पे वर्कशॉप्स कर रही हूँ कि नए ऑथर्स जब शुरू करते हैं व्हाट आर द डूज टिप्स ट्रैप्स डोंट्स, ये नहीं करना, कोई बताता नहीं. तो जब गलतियां हो जाती हैं फिर सीखते हैं. बट आई एम विलिंग टू शेयर दैट एंड टेल एवरीबॉडी कि आप ये हैं. तो अगर आप और आप कोई और बुक भी लिख रही हैं? जी, मेरे दो प्रोजेक्ट्स हैं. एक तो इसकी सीक्वल मैं लिख रही हूँ. ये जो बुक है इट्स लाइक अ सागा, तीन जनरेशन की है. ग्रैंडमदर की है, एक माया प्रोटैगनिस्ट, और एक उसकी बेटी दिया की है. सो सेकंड बुक विल बी रिटन फ्रॉम द दियाज पर्सपेक्टिव, द नेक्स्ट जनरेशन्स पर्सपेक्टिव, हाउ दे सी द वर्ल्ड. एंड इट्स अबाउट हाउ यंग पीपल दीज डेज गेट एम्ब्रॉयल्ड इन एस्पियनेज और टेररिज्म में. हमारे यंग बच्चे कैसे, इनोसेंट बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं. वो भी कहीं और से, कनाडा घर है इस किताब का, लेकिन वो भी दुनिया में घूमेगी किताब और वापस आएगी, क्योंकि हम लोग दुनिया में इधर उधर रह चुके हैं. राइट, लास्ट क्वेश्चन में भी आप जो यंग राइटर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप अपनी जिंदगी रोज जिए, लिव योर लाइफ एवरी डे, एंड अपनी इंटरप्रिटेशन अपने जो वर्ल्ड की है उसको कभी छोटा मत समझिए. Every interpretation is correct. There is no right and wrong. Sirf, be honest with what you want to say. That is my only message. And don't be afraid of, I cannot write, I don't know what to say. Don't think about the audience. Be true to yourself. The audience and the medium and all that will come to you. That's so beautiful. Thank you very much for coming here and sharing everything. हम आपको अपनी बहुत शुभकामनाएं देते हैं अपनी ओर से, अपने स्टूडियो की ओर से, अपने सब दर्शकों की ओर से, कि आप ऐसे ही लिखते रहिए और ऐसे ही ब्यूटीफुल मैसेजेस देते रहिए कि बीइंग कैनेडियन, बीइंग इंडियन, कैसे आपने उसमें बैलेंस रखना है, कैसे इंटरेस्ट होना है और कैसे आगे बढ़ना है. बहुत बहुत शुक्रिया. इसके साथ ही आज हम आपसे आगे रहते हैं और आप सबसे ये कहेंगे कि अगर आप में से भी कोई लिख रहे हैं या लिखना चाहते हैं, आप इन यंग आर्टिस्ट लोगों से, राइटर से कांटेक्ट करिए उनकी वेबसाइट पे जाके. और अगर कोई मैसेज हमें देना चाहते हैं तो ATN@ATNTelevision.com और Kanta@ATNTelevision.com पे अपना मैसेज भेजिए. आज इतना ही. आज का दिन शुभ और मंगलमय हो. धन्यवाद. स्वागत. आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि भारतीय मूल हमारी कैनेडियन राइटर अनुभव मेहता हमारे स्टूडियो में आई हुई हैं. उनकी अभी अभी उन्होंने बुक लॉन्च करी है, पीकॉक इन द स्नो. पीकॉक क्या है और स्नो क्या है, इसका इतना खूबसूरती से उन्होंने उसका संकलन करा हुआ है बहुत सारी और भी स्टोरीज के साथ कि आपको पढ़ने लगेंगे तो बुक छोड़ने को मन नहीं करेगा. हम थोड़ी सी उसकी और लॉन्च की फोटो दिखाने जा रहे हैं. लॉन्च वाले दिन क्या क्या हुआ उसका इन्हीं अनुभा जी से सुनते हैं. अनुभा जी, फिर से आपको बहुत बहुत बधाई हो. हमने सुना कि बहुत अच्छा आपका लॉन्च रहा एंड योर बुक वाज सोल्ड आउट. कैन यू शेयर फ्यू थिंग्स फॉर दैट डे? जो मेरे दो तीन वर्ड्स आते हैं फॉर द लॉन्च इज आई एम ग्रेटफुल, आई एम हम्बल्ड एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर द अमाउंट ऑफ सपोर्ट मुझे मिला. मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं, मेरी तो पहली किताब है. लेकिन सारे मेरे कम्युनिटी के फ्रेंड्स आए, कम्युनिटी ग्रुप्स के, राइटर्स ग्रुप्स के. ये किताब जो थी वो टोरंटो लिट अप में. लिट अप में किसने स्पॉन्सर करी और किसने इसको प्रोडक्शन पब्लिश किया? जी, इनाना पब्लिकेशन ने इसको पब्लिश किया है. टोरंटो लिट अप IFOA इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ ऑथर्स का एक प्लेटफॉर्म है, उन्होंने उठा ली और वो लोग वहाँ थे सपोर्ट करने के लिए. और सारे राइटर्स ग्रुप आर्टिस्ट थे मेरे, जितने कॉलीग्स थे,
काम के जितनी जॉब्स की हैं कनाडा में सब लोग आए, मेरा तो रोना निकल गया. इट वाज सो वेरी इमोशनल टाइम एंड आई कैन नॉट बी मोर ग्रेटफुल कि सबकी कहानियां इस किताब में रिफ्लेक्टेड है एट सम लेवल, या वो हाई लेवल पे है या वो कैरेक्टर्स हैं, बट जब लोग पढ़ेंगे उनको लगेगा कि हाँ हमारी कहानी है इसमें. And I think वही इसकी वजह से. और उस दिन लॉन्च वाले दिन क्या क्या हुआ, आपकी बुक्स कितनी थी उस दिन और वो कैसी सोल्ड आउट हो गई, हमें सुना है. So, सबसे पहले तो आई अपोलोजाइज जो लोग आए और उनको बुक नहीं मिली, वो अब ऑनलाइन है. उस दिन मेरी सारी सोल्ड आउट हो गई, लाइन बहुत बड़ी थी और आई थिंक वो लोग इतने एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे लोगों को यार बुक्स जितनी थी, तो कई लोग तो चार चार पांच पांच ले गए क्योंकि आई थिंक अब क्रिसमस आ रही है. तो अब ऑनलाइन अवेलेबल है, दूसरा प्रिंट हो रहा है, अब थोड़े दिन में प्रिंट में आ जाएंगी बुक स्टोर्स में, सारे चैप्टर्स इंडिगो में, सारी नॉर्थ अमेरिका में बुक स्टोर्स में होंगी. दे वर सोल्ड आउट. सो या आई एम सॉरी इफ यू केम एंड यू कुडंट गेट अ बुक. डू यू वांट टू, तो आप सॉरी थोड़ा सा आप उस दिन की आपने पढ़े हैं कुछ उसमें से आप शेयर करेंगे या पढ़ेंगे? जी मैं एक छोटा सा चैप्टर पढ़ती हूँ. ये माया जो प्रोटैगनिस्ट है, ये पहला पार्ट है. एक ये हवेली में रहती है, हवेली में एक राज इसको मिलता है और इसको मना किया जाता है कि वहां मत जाओ. ये जो टर्निंग पॉइंट है बुक में, इसके बाद वो पूरी कहानी इसके बाद शुरू होती है, उस राज से, उस डायरी में उसको क्या मिलता है वो. तो ये थोड़ा सा मैं पढ़ूंगी. The crescent moon still peeked from under the dark clouds, but I knew it was time to go, at the first crack of crimson had already summoned the breaking of dawn. I slipped into an old pair of jeans and faded runners and grabbed a torch from my back pocket. Thankfully, the nauseating giddiness had not returned. The house was quiet as always. From the garden window, through the mist, I saw the outline of a crouched figure walking towards our bedroom. Or was it just my imagination? I knew that soon Sheila would be back to check on me. I had a nagging suspicion that she had already guessed my plan, but I wouldn't allow anyone to spoil what I was setting out to do, not even Sheila. So instead, I snuck out of the dressing room back door. It opened into the cobble alley near the servant quarters. I followed it to the lawn, climbed over the balcony, and finally reached the pantry. The rusty black iron key that I needed was hanging mutely among the loud kitchen cabinet keys. I swiftly removed it from the hook, inhaled deeply, and stepped out onto the dark path to explore the forbidden west wing of Veer's mansion. छोटी छोटी details को आपने अच्छी तरह लिया है, and I think आपने अभी को ठीक कहा कि ये book is a good time लोगों को अपने बच्चों को या अपने friends को present देने हैं, तो वो इनको ले सकती हैं, वो कर सकती हैं. हम यहाँ पे एक और छोटा सा break लेंगे और इसके बाद हम इनके मैसेजेस